So, hey guys, how are you all? This is your host engineer Abhishek Singh and you are watching My Mechanical Support. Guys, आज मैं अपने बाइक यानी कि पैशन प्रो की जो हमारा चैन है दोस्तों फुल सर्विसिंग करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बरसात ख़त्म हो चुका है और यही सही समय होता है दोस्तों चैन की फुल सर्विसिंग करने की। चूँकि दोस्तों बरसात में अगर आप सर्विसिंग करते हैं तो एक दिन, दो दिन, एक सप्ताह, उसके बाद दोस्तों फिर से दोस्तों वही हाल हो जाता है। तो आप देख सकते हैं 10 नंबर का हमने सॉकेट लिया हुआ है और पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि चैन का फुल सर्विसिंग किस तरीके से कर सकते हैं। और आपको पता है चैन हमारे बाइक के लिए कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। दोस्तों चैन ही वो पार्ट है जो कि हमारे इंजन का जो पावर होता है उसको हमारे पिछले चक्के यानी कि रियर व्हील तक दोस्तों ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। और बाइक हमारी है चैन, तो ऐसे में दोस्तों अगर चैन को सही नहीं रखेंगे तो ड्राइव हमें सही से नहीं मिलेगा, मतलब कि हमारा जो इंजन का पावर है चक्के तक दोस्तों ट्रांसफ़र सही तरीके से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो चैन को देख सकते हैं दोस्तों, पूरा बरसात ये झेल चुका है और ये कितना गंदा हो चुका है दोस्तों। आप भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं किस तरीके से मिट्टी वगैरह पूरा जमा हो गया है। और अब खोलते हैं इसके कवर को। तो कवर को खोलने के लिए, वीडियो में कहीं भी कट नहीं है, पूरी इत्मीनान पूर्वक आप देख सकते हैं वीडियो ताकि सभी को जानकारी मिले। ये जो दोस्तों आप देख सकते हैं ये 10 नंबर का सॉकेट है, ठीक है। 8 नंबर के सॉकेट से हमने आगे वाला पार्ट खोला था, ये 10 नंबर का सॉकेट है और बस कुछ ही टूल चाहिए। बस एक 8 नंबर का सॉकेट चाहिए और एक 10 नंबर का सॉकेट चाहिए। इसके अलावा आपके पास अगर कोई टूल नहीं भी है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बस देखते जाइए। और बाइक रिपेयरिंग करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ चाहिए, जो उसकी ज़रूरत होती है, वो होती है हिम्मत की। बहुत से लोग डरते हैं कि मैं खोल तो लूँगा लेकिन मैं अगर फिट नहीं कर पाया तो क्या होगा। दोस्तों ये बहुत आसान काम होते हैं, 5-10 मिनट अगर आपके पास है दोस्तों सुबह या शाम में कभी भी, तो आप टाइम पास के तौर पर भी बाइक की रिपेयरिंग कर सकते हैं, सर्विसिंग कर सकते हैं घर पर। और जानकारी देने के लिए हमारा चैनल भी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो जो भी जानकारी होगी दोस्तों डायरेक्ट आप तक पहुंचता रहेगा। तो ये देख सकते हैं कितना गंदा दोस्तों इसके अंदर बैठ चुका है, भले ही आपको ना दिख रहा हो लेकिन इसके अंदर मिट्टी बैठ चुका है। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से मिट्टी कहाँ से निकलता है। आपको लग रहा होगा इसमें थोड़ा सा बस दोस्तों यहाँ पर गंदगी आई है, मिट्टी वगैरह नहीं है, लेकिन इस तरीके से दोस्तों स्क्रू ड्राइवर या फिर कोई भी नुकीला चीज़ से इस तरीके से जब रगड़ेंगे इस तरह से, ये देखिए मिट्टी कहाँ बैठता है। क्योंकि मैं पहले भी इसकी सफाई कर चुका हूं दोस्तों इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए कितना ज़्यादा मिट्टी दोस्तों इसमें बैठा हुआ है और काम देखिए कितना आसान है, कितना आसान है। बस 5-10 मिनट अगर आपके पास है फ्री बैठे हुए हैं तो आसानी से दोस्तों ये सब काम जो है कर सकते हैं। ये देखिए दूसरे वाले का भी यही हाल है। और फिटिंग करके फिर उसके बाद में मैं आपको चेक करके बताऊँगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। देख सकते हैं कितना ज़्यादा मिट्टी दोस्तों यहाँ से निकला है। अब इस वाले पार्ट की भी हमें सफाई करनी है, तो पहले जो मिट्टी जमा हुआ है उसको दोस्तों इस तरीके से किसी भी नुकीले चीज़ से, चाहे आपके पास स्क्रू ड्राइवर है, उसकी मदद से भी इस तरीके से मिट्टी को हटा सकते हैं। और इसके लिए, इतने छोटे काम के लिए दोस्तों अगर आप मिस्त्री के पास जाते हैं तो कम से कम 30-40 रुपए का तो आपका बिल बन ही जाएगा, कम से कम मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे भी कितना ज़्यादा मिट्टी भरा हुआ है। तो दोस्तों हमारे चैनल पे और भी वीडियोस हैं जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि अपने बाइक की सर्विसिंग घर पे किस तरीके से की जाती है। अलग अलग टॉपिक पर हमारे वीडियोज़ बनते रहते हैं। तो ये देखिए इसकी सफाई, पहले मिट्टी हटा लेते हैं और उसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूं, आपको किसी भी प्रकार की ऑयल की आवश्यकता होगी, चाहे वो आप डीजल का उपयोग कर सकते हैं, ये हमने डीजल लिया हुआ है, आप पेट्रोल का भी उपयोग कर सकते हैं या फिर किरोसिन ऑयल है, किसी भी तरीके का तेल का आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए ये ऑयल से हम बिल्कुल अच्छे तरीके से इसकी सफाई कर लेंगे ताकि जो भी रस्ट है दोस्तों, जो भी हमारे गंदगी है जो हमारे चैन पे या फिर दोस्तों स्प्रॉकेट पे बैठे हुए हैं, उसको आसानी तरीके से साफ़ किया जा सके। ये देख सकते हैं, वीडियो में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों आपको हमारी जानकारी कैसी लगती है, या फिर कोई दिक्कत है, कोई कमी आपको लगती हो वीडियोस में तो वो भी मुझे बिल्कुल फ्रैंक होकर के बता सकते हैं, आप हमारे दोस्त हैं। और इस तरीके से इसकी सफाई किया जाता है।
ताकि दोस्तों हम आपके लिए और अच्छे तरीके से और अच्छे क्वालिटी का वीडियोस आप तक पहुंचा पाएँ, या फिर अगर आपको किसी टॉपिक पे बहुत जल्दी में वीडियोस चाहिए तो उसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि उसको हम प्रायोरिटी में रख करके वीडियोस बना सकें। आप देख सकते हैं दोस्तों स्प्रॉकेट वगैरह कितना चमक उठा है, कितने अच्छे तरीके से जो है वो सफाई हो गई है। बिल्कुल डायरेक्ट पानी से भी धो सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, इसको धोने के बाद में जो हमारे अदर पार्ट्स हैं उसको भी पानी के मदद से ही धो लेना है। पहले तो इस तरीके से तेल लगाना है इस पर, ठीक है। तेल लगाने से दोस्तों ये होता है कि जो भी एक्स्ट्रा ग्रीस होता है, जो भी डर्ट होता है, डस्ट होता है, वो दोस्तों यहाँ पे लूज पड़ जाता है, ठीक है, और पानी का फुहारा दोस्तों उसको आसानी से हटा देता है। आप डायरेक्ट अगर पानी लगाते हैं दोस्तों तो जो तेल वाला पार्ट है, जो ग्रीस वाला पार्ट है, वो साफ़ नहीं होगा। लेकिन इस तरीके से किरोसिन ऑयल या फिर डीजल के मदद से करेंगे तो जो ग्रीस वाला पार्ट है वो भी धुल जाएगा, और पानी से लगाएंगे दोस्तों तो मिट्टी वाला जो पार्ट है वो भी धुल जाएगा। तो इसलिए पहले, और एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, पहले ऑयल लगाइएगा, ठीक है। पहले पानी लगा देते हैं तो फिर ऑयल आपका ढंग से काम नहीं करेगा, इसलिए पहले तेल से धोएं, ठीक है, और उसके बाद दोस्तों इस तरीके से पानी का धोएं। इसका भी एक सीक्वेंस है। और अच्छे तरीके से पार्ट को कपड़े के सहारे दोस्तों पोंछ लेंगे, ताकि पानी का जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हमारे जो है वो चैन वगैरह पे ना रहे। और उसके बाद में आपको ये ग्रीस 20 रुपये की डिब्बी मिलती है मार्केट में, और एक बार अगर ख़रीद लेते हैं और आपके पास एक ही बाइक है तो आप इसको बहुत दिन तक चला सकते हैं, ये जल्दी ख़त्म नहीं होती। आप देख सकते हैं कितना कम ग्रीस लगेगा, ठीक है। तो अगर घर पर रिपेयरिंग करनी हो दोस्तों तो ग्रीस वगैरह का एक आध बॉटल तो आपके पास होने ही चाहिए। और इस तरीके से देख सकते हैं चैन में बहुत सही तरीके से दोस्तों ग्रीस बिल्कुल बराबर हिस्से में मैं इस तरीके से लगाते चल रहा हूँ, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि कुछ इसमें रॉकेट साइंस वगैरह है जो कि आपको देख करके ना समझ में आए। मैं फिर भी दोस्तों बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले और आप भी हिम्मत करें घर पे बाइक की रिपेयरिंग करने के लिए। आप देख सकते हैं साउंड चेक कीजिएगा दोस्तों, कितना स्मूथ साउंड दोस्तों यहाँ से चैन से हमारा आ रहा है। ये देख सकते हैं कोई भी एक्स्ट्रा नॉइज आपको सुनाई नहीं देगा। अब इसकी फिटिंग की बारी आती है, जिसको देख करके लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कि ये मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। ये नीचे वाला पार्ट है, आप देख सकते हैं इसको खोल करके चैन चेक किया जाता है कि कितना लूज है, क्या है। तो उस पार्ट को नीचे रखते हैं, यही पहचानने का तरीका है। और इस तरीके से दोस्तों लगाएंगे तो बिल्कुल ये अपने जगह पर आ करके फिट बैठ जाएगा। और जो बाकी है वो दोस्तों यहाँ पे जब आप बोल्ट लगाएंगे तो वो अपने जगह पे उसको खींच लेगा, ठीक है। आपको बोल्ट लगा करके डायरेक्ट टाइट नहीं करना है, बल्कि दोनों बोल्ट को फंसाना है पहले दोस्तों, ताकि दोनों जो है वो एक साइड ना हो। एक ही बोल्ट लगाने के बाद अगर पूरा टाइट करेंगे तो वो अपने तरफ दोस्तों एक पार्ट को खींच लेगा, और उसको सेटिंग करने में दिक्कत होती है। तो पहले चारों बोल्ट को दोस्तों इस तरीके से आपको फंसा लेना है। और एक बार अगर दोस्तों आप बाइक की सर्विसिंग वगैरह घर पर करने लगे तो आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको जानकारी हो जाएगी, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे होल को सही तरीके से आप मिला सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद ये जो 10 नंबर का बोल्ट है इसको कुछ इस तरीके से दोस्तों लगाया जा सकता है। और किसी भी बोल्ट को टाइट करने का एक नियम होता है कि उसको फुल टाइट एक बार में नहीं करना है। अगर उसमें 2 या 3 4 5 6 बोल्ट लगे हैं दोस्तों तो सबको बारी बारी से थोड़ा थोड़ा टाइट करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा जो पार्ट होता है वो किसी एक साइड में नहीं खींचता है, और हमारा जो पार्ट है वो सही तरीके पर लगेगा, ठीक है। और ये देखिए इसको हमने टाइट कर लिया है, उसके बाद में बारी बारी से चारों को टाइट करना, उसके बाद क्रॉस चेक करके फिर से एक बार टाइट करना है। इस चीज़ का भी आप ध्यान देंगे तो आप देख सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा पैसे खर्च किए, मुझे लगता है 4 से 5 रुपए की ग्रीस लगा होगा, उतना भी नहीं लगा होगा दोस्तों, 2 से 3 रुपए का ग्रीस में हमारा काम बन गया। जो हमारा टूल था वो तो हमारा ही रहेगा, और 5-10 मिनट की जो समय है दोस्तों, मुझे नहीं लगता है किसी के पास 10 मिनट ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो एक बार टाइट करने के बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस तरीके से फिर से क्रॉस चेक करते हुए सबको एक बार टाइट कर लेना है। ये देखिए चारों को दोस्तों इस तरीके से
टाइट करेंगे, फिर हम अगले पार्ट में चलेंगे। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे टाइट हो गया है। अब एक बार चेक कर लेंगे, कोई एक्स्ट्रा साउंड नहीं है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक्स्ट्रा साउंड अगर आएगा दोस्तों चैन कवर से, तो उसको सही तरीके से एडजस्ट करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। वो दोस्तों हमारा सही था, इसके बाद हम आगे वाला पार्ट जो है इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 8 नंबर का इसमें बोल्ट लगता है लंबा वाला, और इसके लिए आपके पास सॉकेट तो दोस्तों होना चाहिए, बिना सॉकेट का तो बहुत दिक्कत होगा, तो इसलिए सॉकेट तो आपके पास होना चाहिए। ये जो पीछे वाला पार्ट है इसको आप ओपन से भी खोल सकते हैं, रिंग से भी खोल सकते हैं, लेकिन ये जो 8 नंबर वाला है दोस्तों इसके लिए तो आपको सॉकेट चाहिए होगा। ये देख सकते हैं इस तरीके से ये थोड़ा टेपर लग गया है, ठीक है। ये देख सकते हैं दोनों को बारी बारी दोस्तों इस तरीके से टाइट करेंगे, बिल्कुल अपनी जगह पे आ जाएगा, कोई भी एक्स्ट्रा साउंड आपको सुनने को नहीं मिलता है दोस्तों। और चलिए मैं आपको बाइक स्टार्ट करके सुना देता हूँ। वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो एक लाइक और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा दोस्तों। ये देख सकते हैं बाइक हमारी स्टार्ट हो गई है, अब डाल देते हैं गियर में, और ये देखिए हमारी जो चैन का सर्विसिंग का प्रोसेस था दोस्तों ये पूरा हो चुका है, और इस तरीके से स्मूथ ट्रांजिशन आपको दोस्तों देखने को मिल रहा होगा। अगर बाइक की साउंड को थोड़ा सा कम किया होता तो आप देख सकते हो दोस्तों कितना स्मूथ ट्रांजिशन यहाँ पर हो रहा है। उम्मीद करते हैं आप भी बहुत ही आसानी से ये सब काम कर सकते हैं। फिर मिलते हैं, नमस्कार।